वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ अंबर और आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मेरी ईदी आ गई है। और वो ईदी क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगी। एंड इंटरेस्टिंगली ईदी आने की स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। ईदी मेरा भाई क्योंकि सऊदीया में होता है और एक दिन मुझे उसका इतना रैंडमली फ़ोन आया कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे भेजे हैं, मेरा एक पार्सल आ रहा है, उस पार्सल को रिसीव कर लो और फिर मुझे बताना कि क्या है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है उस पार्सल का। उसने ओके, ऐसा पहले भी बहुत दफ़ा हुआ है कि उसके कोई डॉक्यूमेंट्स, उसकी कोई चीज़ें इस तरह की आ गई होती हैं, देन आई हैव टू यू नो आगे कहीं भेजना होता, तो ये बहुत दफ़ा हुआ है। सो आई वाज लाइक ओके, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी माय ईदी, बिकॉज अभी कुछ दिन पहले बच्चों की बर्थडे पे, मिन्हा की बर्थडे पे एंड बहुत सारे उसने गिफ्ट्स भेजे थे, बहुत सारी चीज़ें भेजी थी, तो आई वाज लाइक अभी तो भेजी है थी चीज़ें, तो मतलब मेरे जहन में भी नहीं था। आई वाज लाइक ओके एनीवेज, उसके बाद ना फिर पार्सल आने की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक दिन पैसे पहले पार्सल, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन पार्सल साहब लेट हो जा रहे हैं, हम उसे लोकेट करें तो पता क्या चल रहा है कि जी पार्सल जो है वो रास्ते में है। फिर लेपर्ड वालों ने कहा कि जी हम घर पे नहीं थे इसलिए पार्सल रिसीव नहीं हुआ। फिर पार्सल के लिए कॉल आती है कि जी इतने इतने थाउजेंड का पार्सल है तो क्या आपने रिसीव करना है या नहीं करना है, एक ऑब्वियसली रिसीव करना है। एनीवेज बड़ा जो है ना वो अजीबोगरीब हरकतों के बाद पार्सल पहुंचा है। व्हेन द पार्सल वाज रिसीव, तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा हाँ बताओ पार्सल का क्या करना है। हाँ तुम अभी रखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, किसी को देना है। अच्छा एक और पार्सल भी आ रहा है। अच्छा ओके, इकट्ठे देने होंगे। अच्छा जी अगला पार्सल भी आ गया और उसके बाद मैंने कहा हाँ अब बताओ क्या करना है पार्सल को, अब इसको खोल लो। है क्यों? फिर हमने खोला और मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं खोलूँ और मैं आप लोगों को ना दिखाऊँ। सो सबसे पहले होल मैंने लिया था, सो ये हैं जी वो दोनों पार्सल्स। और इंटरेस्टिंगली दोनों जो पार्सल्स हैं इनमें जितने भी कपड़े हैं वो सारे मेरी भाभी के चॉइस के हैं और मेरी भाभी की चॉइस एक्चुअली बड़ी अच्छी है। सो दोनों ने मिलके मुझे खूब ट्रैप किया और फाइनली शाबानो ने चूज़ किए ये दोनों ड्रेसेस फॉर मिन्हा। ये है जी सैफायर के एंड बाकी तीनों हैं जी लाइमलाइट के। सो दिस वन इज़ माइन, दिस वन इज़ फॉर मैप और दिस वन इज़ ऑल्सो फॉर मैप। तो बच्चों के तो लग गए जी ऐश। सो इनको मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी, बट फर्स्ट थैंक्स टू माय भाई एंड भाभी जिन्होंने यू नो लीक नहीं होने दी बात, जरा नहीं मुझे पता चला दिया कि भाई वो क्या ड्रामा कर रहे हैं और दोनों ने नहीं निकाली बात। सो थैंक यू ड्रामेबाजो। तो सबसे पहले दिस इज द थिंग जो कि आया है माप के लिए, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लॉन्ग कुर्ता, लाइक इट्स अ फ्रॉक, बहुत प्यारा। और इसके ऊपर दिस इज द जैकेट, इंतहाई खूबसूरत है। क्योंकि आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इसे लेना चाहें तो आप इसको ले भी सकते हैं ऑनलाइन या जाके परचेज कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है और इसकी प्राइस है 4,999 यानी कि 5,000। सो दिस इज वन थिंग। अगली जो ईदी मिली वो भी ये थी, यानी कि दिस इज ऑल्सो फॉर माप। और ये जो है जी ये बहुत प्यारी इनकी शर्ट है लाइम लाइट की। और अब ये ना इनकी मॉमी एंड मी कलेक्शन में भी है, जब आप लाइम लाइट के पेज पर जाएंगे तो आपको वहाँ नज़र आएगी। अगर आपने ये परचेज करनी है तो 4,099 इज द प्राइस। सो दिस इज द सेकेंड थिंग जो कि आया। और फिर आई वेरी क्यूट मिन्हा के लिए, दिस इज द पैकेज फ्रॉम सैफायर, क्योंकि लाइम लाइट के पास आपको पता है 2 साल से छोटे बच्चों का साइज नहीं होता, तो दिस इज 1 to 2 years। इतनी बहुत प्यारा ट्राउजर एंड दिस वेरी वेरी क्यूट काम वाला चोटूशा कुर्ता। और जी इसकी प्राइस है 5,490 अगर आपने इसको परचेज करना है तो ऑनलाइन, तो मेरे ख्याल में आप थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन बहरहाल यू कैन ट्राई। और अगर आप जाके परचेज करना चाहते हैं सो यू कैन गो एंड चेक। तो ये इनकी प्राइस है, आर्टिकल मैंने आपको क्लास में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि वेदर यू वांट टू बाय इट और नॉट। एंड देन दिस इज वेरी क्यूट शर्ट टॉप फॉर मिन्हा एंड दिस लूज ट्राउजर। अच्छा अब इसके बाद मैं इनको पहन के भी बच्चों को ट्राई करवाऊंगी ताकि इनकी फिटिंग भी चेक हो जाए, आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि आपने अगर अपने बच्चे के साइज़ के लिए मंगवाना है तो कौन से ईयर का मंगवाना होगा। दिस इज़ 2 to 3 years, मिन्हा अभी 2 साल की हुई है। एंड दिस आर्टिकल की प्राइस जो है वो है 2,890, ऑलमोस्ट 3,000। सो यस यू कैन ऑर्डर। और अब बारी आई है मेरी ईदी की और दिस
इज माय ईदी। और मैं तो बहुत ऐसे से क्रेव कर रही थी चिकनकारी का ड्रेस। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल लाइट लाइट का चिकनकारी का कुर्ता। आई लव पिंक कलर। मेरे ऐसा एक जमाना था मेरे वार्डरोब में हर वक्त पिंक कलर होता था, इतना पिंक होता था, हर टोन ऑफ पिंक होती थी। फिर मैं इतनी पिंक से पीछे हटी कि मैंने बहुत ऐसा पिंक्स बनाए, मगर अब मेरी वार्डरोब में सिर्फ ब्लूज हैं या मस्टर्ड्स हैं, इस तरह के शेड्स हैं। सो दिस इज अ फ्रेश कलर जो कि बहुत ऐसे के बाद मेरे पास आया है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कुर्ता विद अ ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी। और वो ऑब्वियसली जो थोड़ा सा प्रिंट है हमारे, हमें हमेशा से ये चीज़ पसंद होती है। तो ये इसका जी प्रिंट है, आप क्लोजली देख लें, दिस इज द एम्ब्रॉयडरी। इसके साथ है वेरी ब्यूटिफुल, वेरी शीक, दिस थोड़ा सा मिक्स सा ये है दुपट्टा। सो दिस इज इट। और इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने ये ऑर्डर करना है तो दिस इज फॉर 6,299। एंड आई जस्ट ट्राई इट, मैं आपको दिखाती हूँ। और बच्चों की भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो उनको मैंने ट्राई करवाया है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, क्या इशू हो सकता है। सो आप इसको देखते रहें। सो जी मैं आपने किया ट्राई और दिस इज लुकिंग सो 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 ब्यूटिफुल। एंड लुक एट हर, शी इज लुकिंग सो कॉन्फिडेंट एंड सो गुड, माशाल्लाह। And her other kurta, she is looking adorable. This kurta really suits her well. और बड़ी मज़े की इसकी embroidery है, इसमें बड़ा size भी है, so you can get that as well. और अब बारी आई है जी मीनू की। Oh my god, मीनू is looking so cute. I'm sure आप लोगों को भी मीनू बहुत पारू लग रही होगी, और मीनू ने finally खड़ा होके भी दिखा दिया। Wow, मीनू। और हमने मीना को करवाया दूसरा भी चेक। थोड़ा सा लूज था ये, इसको अब मैं टाइट करवाऊंगी ट्राउजर को। और नाउ इट्स माय टर्न। सो जी दिस इज द कुर्ता आई एम ट्राइंग। इट इज फुल लॉन्ग लेंथ, वेरी क्यूट। सो ईद पे स्टाइल करेंगे, ईद पे स्टाइल करके मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैंने जस्ट रैंडमली इसको पहना है। आई एम श्योर इट इज लुकिंग रियली प्रिटी। आई जस्ट लव द दुपट्टा एंड ऑब्वियसली इसकी पूरी लुक बहुत प्यारी है। सो ईद का तो मेरा जोड़ा आ गया है। सो मुझे मजीद, खैर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मजीद शॉपिंग ना करूँ। सो आई डू इट और मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। बच्चों के भी मैंने आपको दिखा दिए। मिन्हा के ड्रेस में इशू है कि वो थोड़ा सा लूज है, ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्राउजर उसका लूज है। सो उसको टेलर को देकर ठीक कराना पड़ेगा। और अब हम जाएंगे मार्केट जाएंगे, इनके साथ एसेसरीज लेंगे। बच्चों की चीज़ों के साथ एसेसरीज आएंगी, मेरी चीज़ों के साथ एसेसरीज आएगी, और उस पर भी बहुत ही खूबसूरत व्लॉग आपका आप जरूर देखेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच अमृत लाइफस्टाइल एंड ब्रॉडकास्ट। एंड कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, गिव मी अ थम्स अप, ऑलवेज you know, mention me anything which you want to know and which you want to talk about. और हम वो भी दिखाएंगे, उसके बारे में बात भी करेंगे। So don't forget to like and subscribe. अपना बहुत ख्याल रखें। Bye bye.